हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। देखो, हम हमारे चैनल पर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, और खास बात ये है कि चार ही ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन में यहाँ आपको देती हूँ, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ और ऑप्शन के बारे में बताया है और आपकी एग्ज़ाम में कोई और ऑप्शन सही हो सकता है। घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए, आज एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं स्टैंडर्ड सिक्स के लिए। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द फूड इज चर्न्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एलिमेंट्री कैनाल में फूड कहाँ पर चर्न्ड होता है पूछा गया है। ऑप्शंस में है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लीवर। देखो, लीवर तो यहाँ पर ग्लैंड है, वो कुछ सिक्रीशंस करती है, ठीक है, तो वहाँ पे फूड चर्न नहीं होगा। बाकी ऑप्शंस को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे शुरू में हम समझने की याद करने की कोशिश करते हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, दैट इज नथिंग बट एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज नथिंग बट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो माउथ से लेके एनस तक कहा जाता है। दिस इज व्हाट एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं रिवाइज कर लो। माउथ, फैरेक्स, फैरेक्स जो है कॉमन ओपनिंग है फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इजोफैगस विच कनेक्ट्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक। फिर स्टमक जो एक सैक लाइक पाउच है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो बहुत लंबा पाइप है। लार्ज इंटेस्टाइन जिसका डायमीटर बड़ा है इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन। और एनस जहाँ से अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड बाहर फेंका जाता है, राइट। तो स्टमक ये जो पार्ट है, यहाँ पर फूड इज चर्न्ड, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से स्टमक में फूड चर्निंग होता है। चर्निंग मतलब मिक्सर, मिक्सिंग, जैसे मिक्सर घुमाते हैं तो उस तरीके से हमारे स्टमक में ये सब चर्निंग किया जाता है, जो भी हमने खाया है। वहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, वो अलग अलग तरीके के गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है जो इस खाए हुए फूड के साथ मिक्स होती है। उसमें गैस्ट्रिक जूस में देखो क्या क्या होता है। इट कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, ये सब फूड के साथ मिलाया जाता है, भर करके वो मिक्स हो जाता है, और इसके बाद दैट फूड बिकम एसिडिक और बेसिकली प्रोटीन डाइजेशन होता है हमारी स्टमक में, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टमक के बारे में, जहाँ पर फूड इज जर्न्ड। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, इन स्टमक ऑफ एलिमेंट्री कैनाल द फूड इज चर्न्ड, राइट। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेल आईडी शेयर किया हुआ है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहो और मेरा चैनल भी देखते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।